गुलबर्गा शहर में एमएसके मिल से जहीर अहमद खान, समीर और दीगर नौजवानों ने आज बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जहीर अहमद खान एनएपी पार्टी से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। एनएपी पार्टी को छोड़ आज बहुजन समाज पार्टी गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह की लीडरशिप में बीएसपी ज्वाइन किए हैं। बीएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरणु सुगूर, सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह और दीगर पार्टी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में यह ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। रैली की शक्ल में जहीर अहमद खान, समीर एंड टीम ने बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तमाम बीएसपी पार्टी के जिम्मेदारों ने कहा, बीएसपी हमेशा एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ती आ रही है। आने वाले इलेक्शन में बीएसपी को वोट कर मायावती के हाथ मजबूत करना है। आज हमारे जहीर खान साहब और हमारे समीर भाई जो एमएसके मिल के रहने वाले हैं, तकरीबन उनके पूरे ग्रुप के साथ पार्टी ज्वाइन करे हैं। हमारे जहीर खान साहब जो एनएपी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये आइडियोलॉजी पसंद आने के बाद बीएसपी ऐसा तकरीबन लोग जमा हो के बीएसपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं उनका दिल से। गुलबर्गा ज़िला में बहुजन समाज पार्टी के कई दूसरे पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हो गए। यही है कि आज हमारे महमूद शाह सिटी प्रेसिडेंट, उनका हमने पार्टी के बारे में समझाया और उन्होंने पूरे गुलबर्गा में जितने माइनॉरिटी समाज के बहुजन समाज के लोग, कौन सा लोग होते हैं एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, यही लोग बहुजन समाज के पार्टी बना सकते हैं, खुद का पार्टी है। इसलिए उन्होंने ये बात समझकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी माइनॉरिटी समाज है वो लोगों को जोड़ने के काम करे हैं। यही है कि ऐसे एक को एक जोड़ते गए तो आने वाले दिन में हमारा 2024 में बहुजन समाज का पार्टी इस कर्नाटक में बनने जा रहा है। और परसों जो प्रवीण नट्टार का एक मर्डर हो गया करावली एरिया में, कोस्टल एरिया में, जब मान्य हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब जाके उनके घर को जाके सांत्वन दिया और 25 लाख रुपये उनको मुजवा दिए, परिवार मत दिए से। इसलिए हम भी ये बोलते हैं, दूसरा दिन जो फाजिल का जो मर्डर हो गया वो लोगों को भी वो परिवार मत पैसा देना बोल के हम बहुजन समाज पार्टी के से हम उनको आग्रह करते हैं और डिमांड करते हैं। ये हम क्या बोलते हैं, ये पूरे जितने भी 6-6.5 करोड़ इस कर्नाटक में आवाम है वो सभी मुख्यमंत्री का अंडर है, सबको आप एक तरह में देखना बोल के हम बहुजन समाज पार्टी से डिमांड करते हैं। फजल को भी 25 लाख रुपए परिवार मत्ता देना बोल के हम एक डिमांड ये करते हैं बहुजन समाज पार्टी। मैं आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया हूँ, जो एमईपी में मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से गए एमएलए इलेक्शन में भी काम किया हूँ, उसके पिछले इलेक्शन में भी काम किया हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हम कि कहीं भी जाओ अगर आप लोगों को जो मुस्लिम है बोलते ही, और ये जो गवर्नमेंट है यानी जिसकी भी हो, बीएसपी हमारे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, ये लोग जो है सिर्फ पुलिस वालों को आगे करके जो मुस्लिम बच्चों को मारने लगा रहे और मुस्लिम बच्चों पे जो केस बना रहे हैं, इसीलिए हम जो तो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी किसी एक पार्टी की नहीं है, इसमें जितने भी है एससी एसटी है ओबीसी है माइनॉरिटी के हैं सबके लिए पार्टी बनाई गई है। तो इसी पार्टी के थ्रू जो है ना हम जितने भी आने वाले हैं उनसे फाइट करने तैयार है, और इंशाल्लाह जितने 9 MLA कैंडिडेट है और इनको अच्छे कैंडिडेटों को देख कर हम खड़ा करेंगे, और अल्लाह चाह तो हम 2, 4, 5 जो भी हमारे कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो उनसे जो काम लेना है अवाम के वास्ते हम वो काम के लिए तैयार है। मोहम्मद जहीर अहमद खान। और मैं इस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ बीएसपी पार्टी, ये पार्टी के मेंबर्स हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं, जैसे कि बीजेपी हर चीज़ में हमारा ऑब्जेक्शन कर रही है, गौ घोषी के नाम पर, हिजाब के नाम पर, ये सब स्कूल से बुक्स में हमारे इनका नाम निकालना, टीपू सुल्तान का उसका नाम निकालना ऐसा कर रही है। इसीलिए मैं बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बीएसपी पार्टी का काम आगे बढ़ाएंगे हम, और इस बार ज़रूर इलेक्शन जीत के आएंगे। सामाजिक परिवर्तन एल्ला महापुरुषरिगे नानु वंदिसुत्ता। बंधुगळे, गुलबर्गा जिल्ला मत्तु नगर वंदु घटकदल्ली
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಗರ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕರ ಒಂದು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೈರ್ ಖಾನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷರ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೆಗಳೇನಿವೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೆಗಳಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಸಲ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯದ. ಬಂಧುಗಳೇ,